दिखेगा दिखेगा बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? कैसे हो आप सब? आज बहुत ठंडी है यहाँ पे, सच में बहुत ठंड है यहाँ पे आज। वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। हनी अमाही तो सो ही रही है आज, बहुत ठंड है। नहीं मत उठा, मत उठा उसको, मत उठा। आज का ब्लॉग मैं मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं सोची दिखा देती हूँ कि मेरा बाबू कैसे सोता है। ये उठ तो गया है बट ऐसे सो गया है मेरे ऊपर ही। चलो उठे आप, आंटी आने वाली हैं, आप बर्तन धोएंगे। इसको मत करो, इसको मत करो। नहीं उठूंगा। क्यों नहीं उठोगे? नहीं सोना है। बाबू का एडमिशन करवाएंगे हम लोग, बाबू का एडमिशन फॉर्म लेके आ गए हैं। बता दो स्कूल गए थे बाबू, कैसे मजा आया तुम्हें? खेलने में अच्छा लगा था। खेलने गया था बाबू? बाबू बता दूं मैं आपको, बाबू वहाँ स्कूल में खेलने के लिए गया था। लाइट्स ऑफ है इसलिए हम लोग अंधेरे में दिख रहे होंगे आप लोगों को। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। चमक चमक कैसे हो रहा है? कहाँ पे? ये वाला? चल तो बाबू चढ़ा है घोड़े पे। हम लोग यहाँ पे बालू डलवा रहे थे, माही भी फिर जिद करी थी तो फिर उसको भी बैठाए थे, तो ये घोड़े पे बालू लेके आए थे ये वाले भैया। तो इलो भी जिद करने लगे कि हम लोग बैठेंगे, तो इलो फिर बैठ गए उसमें। हाँ कितना सारा चीनी ले आए हो फिर से, ये देखिए। ये सब हमारे घर का सेमी है, पूजो कुछ है। ये हमारे घर का सेमी है, तीन टाइप का सेमी होता है, एक वाइट भी होता है। वाइट वाला कहाँ गया? ऐसा टाइप का कहाँ गया वाइट? इसमें वाइट भी है, ग्रीन भी है, और ये देखिए ऐसा टाइप का कलर भी होता है इसमें, और बहुत टेस्टी लगता है। मैं तो हम लोग ना इसको फ्राई करके खाते हैं ऐसे, इसको हाफ कट करके उसके बाद फिर खाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। सिर्फ नमक हल्दी से फ्राई होता है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे कैसे फ्राई करते हैं। बस ऐसे सिंपल, और दाल और ये, और एक नंबर लगता है फिर। बस करो, माही का ना दिन में कम से कम 10 बार मैं ड्रेस चेंज करती हूँ। जितने बार ये बाथरूम में जाती है या इसको पानी दिख जाता है, बस ये पूरा ऐसा गीला करती है। अभी मैं एक सुखाई हूँ, मतलब सुबह से इसको 3 ठो हो गया है, दूध निकाल के आई हूँ। तो सुबह से मेरा ब्लॉग जो था वो स्टार्ट हो गया था, बट आप लोगों से बात नहीं कर पा रही थी, तो दोपहर को लंच वंच कर लिए थे। एक्चुअली हम लोग के, हाँ हम लोग के ना बगान में थोड़ा, हम लोग के, रुको ना बेटा बात करने दो, तो हम लोग के बगान में ना थोड़ा काम चल रहा था, तो मैं आपको सेमी दिखा रही थी वहाँ का। चुप करो नहा, वो अमित बाल लग गए। तो फिर ना वहाँ पे काम चल रहा था, तो थोड़ा सा उधर भी देखना पड़ रहा था। उसके बाद फिर लंच वगैरह हम लोग करके बहुत थकान हो गया था थोड़ा सा, पता नहीं कैसा वेदर भी तक गंदा हो गया है, मतलब अचानक से कभी भी एकदम ठंड बढ़ जा रहा है और कभी भी ठंड कम हो जा रहा है एकदम। कभी तो कुछ दिन से बहुत ठंड चल ही रहा है जैसे कि देख ही रहे हैं आप लोग, एकदम बकायदा सबको ये इन लोगों का। तो हेलो फ्रेंड्स, और मेरा बेड का हालत देखिए, ये लोग सो के उठे हैं जब से, तो ऐसा ही पड़ा हुआ है सब कुछ। और ये माही का बिंदी देखिए, अकेली है।
जिद करके ये बिंदी लगवाई है। मैं थोड़ा चोटी वगैरह कर रही थी तो ये भी बिंदी लगवाई है जिद करके। एटे के लग दिए थे मम्मी लगा। तो मैं ना आज बनाने वाली हूँ ग्रीन चिकन। तो मैंने चिकन को मैरिनेट करके रख लिया है। सुबह थोड़ा सा मेरे पास मतलब जब मैं मैरिनेट कर रही थी ना तो थोड़ा कम था, पालक से बना रही हूँ मैं, पालक चिकन है। तो फिर मैं जितना भी था मैं थोड़ा बहुत मैरिनेट करके रख ली हूँ। तो मैं आपको बताऊँगी प्रोसेस कैसा है, आप भी ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी बनता है। तो थोड़ा सा ही पालक था तो उसी को ही मैं मैरिनेट करके रखी थी। तो दोपहर को मैंने कर लिया था, उसके बाद अभी शाम अभी मतलब बनाने जा रही हूँ मैं। और हाँ मैं बताने वाली हूँ, हनी का एडमिशन फॉर्म लेके आ गए हैं हम लोग। मैं और दीपक गए थे एडमिशन फॉर्म लेने के लिए। ये ना वहाँ पे गया था, वहाँ पे स्कूल जो है मतलब ज़्यादा बड़ा स्कूल नहीं है, छोटा ही, घर के पास ही है, इसलिए अभी यहीं पे दे रहे हैं क्योंकि इसके पापा तो यहाँ रहने वाले हैं नहीं, इस साल भी उधर ही रहेंगे। तो आना जाना मतलब अप डाउन चलेगा उनका, तो पास में रहेगा तो मेरे लिए थोड़ा अच्छा रहेगा कि मैं भी जा सकूँ उसके पास, मतलब जब कभी भी ज़रूरत पड़े। छोड़ो उसको, छोड़ो। हाँ की नौटंकी। और ये देखिए हनी ड्राइंग बुक लेके बैठा हुआ है। तो हनी को लेके गए थे हम लोग स्कूल, ये गया है। और वहाँ पे बहुत सारे मतलब बच्चों को खेलने के लिए, प्ले स्कूल तो है तो बच्चों को खेलने के लिए काफ़ी कुछ टॉय, बहुत सारे टॉयज थे। ये जाके वो क्या बोलते हैं उसको, फिसल पट्टी जो ऐसे फिसलने वाला है उसमें जाके ही ये बैठ गया, मतलब जाके झूलने लगा। और भी जितने भी झूले थे सब में झूलने लगा ये। तो बहुत मज़ा, हनी मज़ा आया था स्कूल में, खेलने में इसको खेलने में मज़ा आया था। बोल रहा था मम्मी बुनू को मत भेजना, मतलब माही को मत भेजना, नहीं तो ये पूरा कबाड़ा कर देगी वहाँ पे। और जितना भी खिलौना है, अच्छा हुआ इसको लेके नहीं गए, नहीं तो ये पूरा तोड़ देगी वहाँ पे खिलौना। तो फिर हम लोग हंस रहे थे इसका बात सुन के कि बेटू वहाँ पढ़ने जाना है, आपको खेलना तो है ही, खेलना भी ज़रूरी है बट पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको समझाएंगे तो पता नहीं, अभी तो समझ में आया नहीं, कभी स्कूल गया नहीं है। माही का भी सोची हूँ, वहाँ का जो सिलेबस है वो देखी हूँ मैं, माही का तो ओवरऑल ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो प्ले में नहीं डालूंगी, नर्सरी में ही सितंबर में तीन साल की हो जाएगी, सो कंप्लीट हो जाएगा तीन साल। तो सोच रही थी कि उसको जुलाई से इसका एडमिशन करा दो। अभी मुझे सजेस्ट करिए कि मुझे कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। और आई थिंक अप्रैल या जुलाई से स्कूल कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जाने लगेंगे बच्चे, ऐसा तो टीचर्स बोले हैं। अभी पता नहीं क्या होने वाला है, लेट्स सी क्या होता है। मैं मतलब एडमिशन तो करा ही देना है, और माही का कराऊँ कि नहीं कराऊँ थोड़ा सोच रही हूँ। अब तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं मुझे माही का एडमिशन अभी कराना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत बोलने लगी है अभी। तो मैं इसको अलग से कुछ सिखाना नहीं पड़ता, मैं हनी को जो सिखाती हूँ ना वो माही वो चीज़ सीख जाती है अच्छे से। तो चलिए फिर देखते हैं क्या होता है आगे। वैसे एडमिशन कराना तो बहुत ज़रूरी था इस साल, नहीं तो ये साल भी चला जाता घर बैठे। और हनी को हमारे फ्रेंड पे भैया रहते हैं उनके पास में, उनको मेरे से तो पढ़ता नहीं है, ये पढ़ाने बैठती हूँ तो सिर्फ मार खाते रहता है। तो वो भैया को बोली उसको थोड़ा सा पढ़ा देने के लिए। इसका तो वैसे कोर्स कम्प्लीट करा दी हूँ मैं, नर्सरी का कम्प्लीट है और LKG का ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गया है। तो मैं ना UKG का वहाँ पे सिलेबस देख रही थी, तो थोड़ा सा टफ पड़ेगा इसको, नहीं हो पाएगा, इसलिए तो LKG में करवाया इसका। अभी एडमिशन नहीं हुआ है, अभी से फॉर्म लेके आए हैं तो एडमिशन कराएंगे। अभी मार्च में इसका छोटा सा टेस्ट होगा, उसके बाद देखिए ये लोग क्या करते रहते हैं। दिन भर पोयम गाते रहेगी, गाना गाते रहेगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपको, देखते हैं डिनर में बना रही हूँ आज ग्रीन चिकन। तो चलिए आपको दिखाती हूँ ग्रीन चिकन में कैसे बनाती हूँ। तो बाबू को मैं इधर ले आई हूँ, देखिए ये इतना बदमाशी कर रहा है। हनी क्या खाओगे? पूरी। पूरी। मेरा बाबू ने अभी फरमाइश किया है, बाबू ने कि मम्मा मुझे पूरी खाना। एक्चुअली वो मॉर्निंग में ही बोल रहा था कि मम्मी पूरी नहीं, कल रात को बोला था कि पूरी खाऊंगा, तो कल तो बन चुका था तो आज मैं उसके लिए बनाई हूँ। और ये देखिए मेरे
टेबल का हालत देखिए क्या है, कबाड़ा हो गया है। कबाड़ा हो गया है। आज ही लेके आई हूँ मटर, गाजर लेके आई, पहले का गाजर रहा पर हाँ ये हलवा बनाने के लिए लाई हूँ, पहले से रखा हुआ है दो एक एक डेढ़ किलो जैसे रखा हुआ है और आज फिर एक किलो ली हूँ तो देख के लालच लग रहा था। और ये भिंडी ली हूँ और ये पालक करेला और ये तो बाबू के पापा ही लेके आए थे, तो सारा कुछ ऐसा मैसी पड़ा हुआ है। अभी मैं डिनर बनाऊंगी, उसके बाद फिर ये सब समेट के सब फ्रिज में रखूंगी। और ये देखिए ये आज़ादी फिर से तोड़ के लाई है, शाम को शाम के टाइम जब उधर साइड गई थी तो उनको मैं दिखा तो फिर वो ले आई 4-5 बजे, और इसके पहले तो मैंने आपको दिखाया ही कि कितना सारा लेके आई है। तो हनी आज क्या खाने वाले हो? आज बन रहा है हनी के लिए पालक ग्रीन चिली ग्रीन चिकन बन रहा है। क्या बन रहा है? यस पालक डाल के खाओगे ना? चिकन खाओ। और ये पता नहीं बाबू लेके आए, उसके बाबू के पापा लेके आए थे, ये ट्रॉपिकाना का है ये जूस, इतना ज्यादा खट्टा और पता नहीं ये कैसे। और ये क्या खा रहे हो उसमें? ये ना क्या खा रहा है? देखिए बूंदिया मिक्सचर, वो स्कूल से मिला था छोटू को तो लेके आए थे वो बहुत सारा, तो ये बाबू खा रहा है, बाबू को बहुत पसंद है बट वो सिर्फ बूंदी लोगों को। ये देखो तुम्हारा पेंसिल है यहाँ पे, पढ़ाई तो है नहीं, पेंसिल लोगों को रखा है। चलो देखते हैं फिर रेसिपी क्या बन रहा है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक ग्रीन चिकन, तो उसके लिए मैंने ना पहले से ही जो पालक भाजी पालक है ना उसको ग्राइंड करके मैंने रख दिया है, और इधर मैंने जो भी बेसिक होते हैं जैसे जिंजर गार्लिक पेस्ट, अनियन और टोमेटो प्यूरी, ये सब मैंने ग्राइंड करके रख दिया, और अलग से मैंने अनियन को कट करके रख लिया है। और इसमें ना मैंने थोड़ा सा मगज बीज भी डाला है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही है। और मैंने ना पहले से ही चिकन को मैरिनेट करके रख दी हूँ, तो इसका नाम जो है ग्रीन है तो सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं उसमें ग्रीन ही डालने वाले हैं। तो इसमें मैंने डाला है ग्रीन चिली, मिंट यानी पुदीना का पत्ता और पालक, ये सब, और ये सब को मैंने एक साथ ग्राइंड करके पहले से चिकन को मैरिनेट करके रख दी हूँ। उसमें दही, जिंजर गार्लिक पेस्ट और नमक, हल्दी और नमक आपके अकॉर्डिंग, आपको कितना खाना है। तो ये सब को मैंने पहले से ही मैरिनेट करके रख दी हूँ, तो मेरा चिकन जो है वो 3 घंटे से मैरिनेट हो चुका है। उसके बाद जो जैसे बनता है वैसे ही बनाना है, जैसे कि मैंने मस्टर्ड ऑयल ही लिया है इसमें, आप चाहे तो बटर भी ले सकते हैं, बटर से और टेस्ट अच्छा आता है, बट बहुत सारा बटर नहीं था मेरे पास इसलिए मैं वैसे भी अधिकतर ना मैं मस्टर्ड ऑयल से ही बनाती हूँ। तो बाबू का फरमाइश था पूरी खाने का, तो इधर मैं आटा गूंथ रही हूँ, तो बहुत लेट हो जा रहा था तो मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी। तो ये रहा मेरा मैरिनेट किया हुआ चिकन। तो मेरा थोड़ा सा पालक भाजी ना कम हो गया था, इसलिए मैं बाद में जो आपको दिखाई ना वो बाद में ग्राइंड करके मैं इसमें और ऐड करी हूँ, क्योंकि थोड़ा हो गया था, ग्राइंड करने से तो वैसे भी थोड़ा हो जाता है, तो मेरा भी कम हो गया था इसलिए ना मैं इसको बाद में थोड़ा और ऐड करी हूँ। तो मैं पालक को और जो भी चिकन है उसको डाल के तब तक इसको मैंने सिम में करके रखी थी मैं, जब तक कि इसका पानी नहीं सूखेगा। और जैसे ही पानी सूख गया फिर मैंने जो मसाले जो ग्राइंड देखिए पूरा ऑयल निकल गया, पानी नहीं छोड़ दिया इसका, तो जो भी मैंने मसाले ग्राइंड करके रखी थी वो मैं एक एक करके डाल दिया मैंने इसमें। और जो भी इसमें तो मगज बीज, काजू और बादाम भी मैंने हल्का रोस्ट करके उसको भी ग्राइंड करके डाली थी। तो बस इसको ऐसे सिम में कर करके फिर इसमें तो सारा कुछ डाला ही हुआ है, नमक आपके अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा, और हल्दी, नमक, मिर्चा ये सब डाल के, थोड़ा सा जीरा धनिया पाउडर, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ज़्यादा मत डालिएगा नहीं तो फिर टेस्ट फिर उसी का ही आने लगेगा, फिर पालक का टेस्ट ज़्यादा नहीं आ पाएगा। तो वही जो जितने भी बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब डाल के इसको मैंने ढक के सिम में करके पकाया है, और बहुत टेस्टी भी बना था चिकन। तो देखते हैं लास्ट तक। तो देखिए बन गई मेरी पालक ग्रीन चिकन, टेस्ट करके आपको बताऊंगी कैसा बना है, बाबू बताएगा आपको खा के। अच्छा बाबू ने तो टेस्ट कर चुका है पहले भी, बाबू कैसा बना? हाँ टेस्टी बना है। तो ये रेडी हो गया, अब मैं जा रही हूँ पूड़ी बनाने, फिर डिनर करके आपसे बात करती हूँ मैं।
इधर मैं पूरी छान रही थी, आटा गूंथ के मैंने पहले से रख दिया था और मैं इधर पूरी छान रही थी। और पीछे देखिए बाबू की शैतानी इतना बदमाशी कर रहा है। मैं किचन में हूँ और बाबू ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और माही पता नहीं अंदर में थी क्या कर रही थी, वो शांत रहती है तो कुछ ना कुछ खुरापाती करते रहती है। तो हनी क्या कर रहा था ना, टी शर्ट अपना उसको उतार के रखा था और टी शर्ट को बार बार ना ऊपर ऐसा फेंक रहा था, तो कभी ट्यूबलाइट पर तो कभी किसी पर कभी फ़ैन पर जा के अटक जा रहा था। और देखो मैया को अपनी परेशान कर रहा था कि मैया निकालो मैया निकालो। तो और ये जा रहा है हनी और मेरा डिनर, पूड़ी और पालक ग्रीन चिकन। हनी को तो बहुत पसंद आया है, ठाकुमा को भी बहुत पसंद आया है। आई होप आपको भी पसंद आया हो ये रेसिपी, तो आप लोग बिल्कुल ट्राई करिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं डिनर करने। वहाँ पे देखिए माही का हालत, ये खा रही है पूड़ी और दूध पाउडर, उसको बहुत पसंद है। देखिए मुँह का मम्बुनो मुँह देखिए देखिए खाइए। हाँ और ये देखिए ये क्या कर रही है, देखिए आटा ली है मेरे से पूरा और ये देखिए पूरे बाल में ऐसे चिपका ली। और इधर भी दिखाओ, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, ये क्या करके रखी है। चलो नहला दू, ये ना खाती नहीं है मेरे साथ। हनी बनी झोल माल दे रहा है टीवी पे, उसी को बोल रही है हनी झोल माल। और ये हनी, चलिए हम लोग डिनर करते हैं फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तो माही तो अपना ही खा रही थी वो दूध पाउडर के साथ वो चिकन। पता नहीं आज पहली बार ऐसा हुआ कि वो चिकन मुंह में ही ली नहीं ली, मतलब ली ही नहीं, खाई ही नहीं वो। तो हनी को तो यहाँ पे मैं खिला रही थी, उसको तो बहुत पसंद आया चिकन। वो मेरे को बोला मम्मी मैं चिली चिकन नहीं खाऊंगा, ग्रीन चिकन मुझे बहुत पसंद है, मेरे को हमेशा ग्रीन चिकन ही बना के देना। और जब से ये अंबिकापुर से आया ना, इसकी फरमाइश है तो इतनी बढ़ गई है। वहाँ पे इसकी जो दादी थी वो फरमाइश इसका पूरा कर रही थी और वहाँ से यहाँ आने के बाद भी वो फरमाइश कर ही जा रहा था कि मम्मा ये खाऊंगा वो खाऊंगा, ये करना है वो करना है। तो मुझे भी फरमाइश पूरा करना ही पड़ा उसका। तो ये क्या डिजाइन बनाया हो इतना सारा, ये क्या किए हो, ऐसा वाई होता है। और ये सब क्या, क्यों ऐसे गोदागादी की हो पूरा, क्या है ये सब। अब हाय नहीं, अब चलो गुड नाइट बोल दो। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। तो आज का जो वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो और आपको ये रेसिपी पसंद आए हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये देखिए पगली कैसे कर रही है, इसके बाल में तो पूरे आटे लगे हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।